Now let's come on the question number five. The circumference of two circles are in the ratio two ratio three. Find the ratio of their areas. Suppose we have two circles X and Y. Center of the first circle is O and radius is R. And the center of second circle is radius.

तो रेशो की बात कर लेते हैं रेशो ऑफ देयर सरकम टू बाई थ्री इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टू पाई आर वन टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट तो यहाँ से हमारे पास क्या आया आर अपॉन आर वन इक्वल टू टू बाई थ्री ठीक है तो आर वन हमारे पास क्या हो जाएगा लेट करते हैं कि वो टू के वेयर के हमारे पास यहाँ क्या है रेशो है यानी कि टू के रेशो थ्री के ठीक है ये किसकी रेडियस आई फर्स्ट सर्कल की तो सेकंड सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास थ्री के ठीक है नाउ हमें रेशो फाइंड आउट करना है एरियाज़ का तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा एरिया अपॉन ए वन अपॉन ए टू फर्स्ट सर्कल का एरिया लेट करते हैं ए वन एंड सेकेंड सर्कल का एरिया लेट करते हैं ए टू तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई आर स्केर अपॉन पाई आर वन स्केयर न पुट वैल्यू ऑफ आर यानी कि फोर के स्कर अपॉन आर वन है यानी कि नाइन के स्केयर तो हमारे पास ए वन अपॉन ए टू कितना आ जाएगा फोर रेशो नाइन देखो कुछ स्टूडेंट इसको अनदर वे में भी कर सकते हैं कैसे उनको ये कंसिडर करने की नीड नहीं है जस्ट आर वन अपॉन सॉरी आर अपॉन आर वन है हमारे पास टू बाई थ्री तो एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा आर अपॉन आर वन स्क्वेयर तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं आर अपॉन आर वन की यानी फोर बाई नाइन ठीक है ये हमारे पास क्या है सर्कल के एरियाज़ का रेशो है ठीक है